सुबह सुबह अगर आपका मूड ख़राब है तो ये आपकी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे हीलर्स इसलिए अपनी हीलिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि उनका मूड अच्छा नहीं होता सुबह उठने के बाद। सुबह उठने के बाद बहुत डाउन एनर्जी फील कर रहे होते हैं, बहुत ख़राब फील कर रहे होते हैं। तो इसका उपाय क्या है समझिए और उसका कारण क्या है ये भी समझिए। नमस्ते है जी, बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि मॉर्निंग सुबह बहुत ख़राब होने लगी है, सुबह बेवजह मूड ऑफ रहते हैं, एनर्जी लो होती है, बहुत लो एनर्जी फील हो रही होती है, ख़राब सब कुछ ख़राब। अगर कुछ कह दे तो कलेश होना तो पक्का है, किसी ने कोई ऑर्डर दे दिया, किसी ने कुछ कह सुना दिया, कोई बात दो बात कह दी या देर से उठने को कुछ कह दिया तो कलेश होना पक्का है। तो ये किस कारण है ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इसको ठीक करने का तरीका एंजल नंबर मैं तुरंत बता देता हूँ ताकि आप इतना बात सुन करके वीडियो बन करके जा सको। तो एंजल नंबर लिख लो 2567993 25 space 67993 ये लेफ्ट बॉडी पार्ट में ग्रीन पेन से लिखो और ये एंजल नंबर आपको वो एनर्जी लाना शुरू कर देगा सिर्फ 10-11 दिनों में। 11 दिन मान लेते हैं, 9 से 11 दिनों में ये आपको वो एनर्जी दे देगा। तो यहाँ आपका काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझना है तो रुको वीडियो में। इस स्विच वर्ड को जपना है, बोलना है 21 बार, ब्लूमिंग मूव। ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक तरह का शब्द की ये ऊर्जा है, इसको इंग्लिश वर्ड मत मानिए। ब्लूमिंग मूव, ये वर्ड इंचेंट करने से, ये वर्ड बोलने से हमारे मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ उछलती है, तो उससे आप तुरंत एनर्जेटिक महसूस करना शुरू कर दें। तो ये इंस्टेंट काम करेगा ब्लूमिंग मूव, लेकिन एंजल नंबर जो आप लिखोगे वो 11 दिनों में आपके अंदर धीरे धीरे वो पॉजिटिव चेंजेस लाने शुरू करेगा। हालात नहीं बदल रहे। अरे सबसे बुरी बात क्या है पता है, कि लोगों के समटाइम्स लोगों के जीवन में कुछ बुरा चल भी नहीं रहा होता है, छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे कलेश, जो कि सो के उठने के एक आध घंटे बाद वो याद भी नहीं रहते। लेकिन ओवर थिंक करने वालों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सुबह जब वो उठते हैं तो सारी ओवर थिंकिंग सुबह सुबह उनके दिमाग में रहती है। तो उस टाइम पे आपको अपने आप को बचाए रखने के लिए, क्योंकि ये ना बेटा कहीं ना कहीं आपके डिवाइन हीलिंग के लिए अच्छा नहीं होता, आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए, आपके फिज़िकल हीलिंग के लिए अच्छा नहीं होता। ज़्यादातर हीलर्स को सुबह उठ करके अपनी हीलिंग प्रैक्टिस करनी होती है, और हीलिंग प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको सुबह सुबह मूड ऑफ है तो ये अच्छा नहीं। और इसके साथ ही अगर अपने दिन को पूरी तरह से ऊर्जा से भरना चाहते हैं तो थोड़ी देर, सिर्फ 1 मिनट के लिए इस तरह से शक्ति मुद्रा का अभ्यास करें। शक्ति मुद्रा लगाएं और बिस्तर में ही इस तरह से बैठ जाएं। शक्ति मुद्रा का जो इसका जो केंद्र होगा, इसकी जो ऊर्जा होगी, ये यहाँ पर पड़ेगी, आपके आगे चक्र पर पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस। सिर्फ 1 मिनट के लिए शक्ति मुद्रा लगाएं, उसके बाद बिस्तर छोड़ें। जो भी आपके बिस्तर छोड़ने की प्रक्रिया हो, लोग ऐसे हैं जो नाक के स्वर के हिसाब से पैर ज़मीन पर रखते हैं कि हाँ लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है कि राइट वाला स्वर चल रहा है, उसके साथ लेफ्ट या राइट पैर को रखते हैं। बहुत लोग भूमि को प्रणाम करके उठते हैं, बहुत लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं करके उठते हैं। तो अपनी जो भी आप रिचुअल मॉर्निंग करते हैं वो ज़रूर करें, बट उससे पहले शक्ति मुद्रा 1 मिनट का अभ्यास करें, जिससे आपका पूरा दिन शक्तिमय हो जाएगा और जो आपका मूड ऑफ था वो तो सिर्फ इस स्विच वर्ड से ही हो जाएगा। तो ऐसे में शुरुआत अच्छी होगी। 11 दिन का अभ्यास है, क्योंकि ये सिर्फ कल के वजह से आपका मूड ख़राब नहीं, ये काफ़ी कई दिनों से जो चल रहा आ रहा है उसकी वजह से है। तो इससे आपकी एक अभ्यास अच्छा हो जाएगा, 11 दिन के बाद आप ओके हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 11 दिन के बाद हम ओके हो गए लेकिन कुछ समय फिर से वही हो गया, तो फिर से इसको आप रिपीट कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवाई है, इसको ज़रूर यूज़ करना, सब अच्छा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।